सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। घटनाएं जो हुई वो तो निश्चित है, मैं पहले पूर्ण स्वस्थ थी और पूर्ण स्वस्थ होकर के मैं पुलिस की कस्टडी में आई थी। पुलिस की कस्टडी के बाद जो मेरी हालत हुई है, जो निरंतर गिरती जा रही है और मेरी समस्याएं बढ़ती जाती हैं, तो मैं उनसे पीड़ित हूँ, लगातार पीड़ित हूँ। और ये हालत हमारी एक फिजिकल ट्रेंड, फिजिकल फिट व्यक्ति की जो हालत हुई है वो किसी और की नहीं हुई। और इसका अचानक कारण क्या हुआ, जब मैं स्वस्थ आई थी और जब मैं निकली हूँ तो मैं बिस्तर पे थी, कैंसर मुझे हुआ, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम मुझे हुई, हमारी न्यूरो की प्रॉब्लम मुझे हुई, सिर में आँख से लेके ब्रेन तक बस मुझे पड़ा। और जिसके डैमेज, जितना बॉडी हमारी डैमेज हुई है उसका पूरा कारण कांग्रेस के सरकार की प्रताड़नाएं हैं, एटीएस की प्रताड़नाएं हैं। मैंने कोर्ट में भी जब थी तब भी कहा, और कोर्ट से निकलने के बाद जब मेरी जमानत हो गई उस समय भी मैंने मीडिया को कहा है और मीडिया ने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखी, कितना भी नकारेंगे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और इसलिए आप लोगों ने भी देखा है मैं किस हालत में कोर्ट पहुंचती थी। सवाल ये है, इसने कहा होगा, वो जिसको जो लगा है वो कहा है। अब इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकती हूँ क्योंकि अपनी कोर्ट की प्रक्रिया में है, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगी कि प्रताड़नाएं दे देकर कंप्लीट एक नकली केस बनाया गया है, जिसके बारे में मैं स्वयं साक्षी हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति अपराध करता है वो खुद जानता है या ईश्वर जानता है, तो जो अपराध नहीं करता है वह भी स्वयं जानता है और ईश्वर जानता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरा केस एकदम क्लीन है। नहीं, आप मैं कोर्ट के बारे में सुनिए, ये प्रक्रिया कोर्ट की है, कौन आता कौन नहीं आता, ये उन्होंने क्या करना है ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन मुझे पता है कि मुझे आदेश मिलता है मैं तब भी आती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चेकअप के लिए या ट्रीटमेंट के लिए आती हूँ तो भी मैं बीच में से समय निकाल करके बिना बुलाए कोर्ट में मैं स्वयं उपस्थित हुई हूँ। इसलिए मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि मैं कर्तव्य पूर्ण निर्वहन करती हूँ, चाहे वो कहीं का भी हो, सांसद हूँ तो वहाँ का भी, और मैं यहाँ एक प्रकरण में आरोपी हूँ यहाँ भी, मैं अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वाह करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। संसद का विषय जो अंदर का विषय होता है, वह अंदर का विषय जो चलता है, एक दूसरे पर जो भी छींटाकशी करते हैं वहाँ स्वतंत्रता रहती है बोलने की, एक दूसरे से बोलते भी, एक दूसरे का प्रतिकार भी करते हैं, एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं, और नहीं करते तो वहाँ तो स्वतंत्रता होती है और वहाँ का निर्णय फिर बाद में अध्यक्ष जी के हाथ में जाता है। लोग अनभिज्ञ हैं, मेरे ऊपर किस प्रकार की उन्होंने मर्यादाएं रखी, कभी मैंने जिसके बारे में बोला ही नहीं वो विषय मेरे ऊपर थोप दिए गए, तो मैं और क्या कह सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि जब तुम्हारे ऊपर तुम्हें लगती तो चोट है, बाकी का मजाक है, चलते रहिए, जैसा आप करेंगे आगे उसी को भोगेंगे। अगर कोर्ट में कहा है, वो उसमें न्यायालय संसद में कहा है तो उसका अपनी जो भी प्रक्रिया होगी, जांच वगैरह होगी, उसमें जो भी करना होगा हमारे अध्यक्ष जी करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। ये मैं इतना ही कहूंगी कि सबकी स्वतंत्रता बोलने की है और सबका अपना एक मत होता है और मर्यादा भी होती है, इसमें जो भी होता है उस व्यक्ति को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि अभी जब महिलाओं का आरक्षण बिल आया तो उस व्यक्ति ने भरपूर विरोध किया और क्या क्या बोला, अगर वो बातें बाहर आएंगी तो क्या वो अपने को कह पाएंगी, तो इसलिए जिसकी नैतिकता नहीं है उसके विषय में क्या कहना चाहती हूँ कि जिसकी जांच गलत है और जिसकी जांच सही है, निश्चित रूप से इतना लंबा आर्ग्यूमेंट हो चुका है और अब जो डिसीजन आएगा अच्छा आएगा।